अत्यारे बहनों शुभ आशीष। आज दसवीं कक्षा हिंदी विषय का पाठ दो लाख की चूड़िया पढ़ने वाले हैं। इनके लेखक हैं काम तानाथ जी। भैया बहनों, ये जो देश है इसमें संस्कार तो है, साथ में कई रिश्ते हैं, और ऐसे रिश्ते भी हैं खून के तो नहीं है परंतु उनको बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। काम तानाथ जी ने यही बताया है कि ये जो लाख की चूड़ियां पाठ है इसमें सामाजिक संबंध, बचपन, लुभावनी वस्तु और स्वदेशी उत्पाद पर अत्यधिक बल दिया गया है। इन विषयों पर अत्यधिक प्रकाश डाला गया है। इसमें बदलू एक बच्चा जो कि अपने गांव आता है और हिसाब से गांव के लोग जो जाते हैं कहीं पर अपने गांव में ननिहाल में जाते हैं तो मामा नाना इस तरह के संबोधन करते हैं, लेकिन वो बदलू काका कहता है उसे, क्योंकि सभी लोग उसे काका के नाम से जानते हैं। और उसे जब वो उसके पास जाता था तो खाने पीने के लिए या लाख के कुछ गोलियां बनाकर वो देता था। तो इस तरह से इस पूरे पाठ में उसके संबंधों पर बताया गया। और लास्ट में क्या होता है कि जो आधुनिक मशीनरी युग है उसमें जो हमारे हाथ के काम वाले हैं वो बेचारे बेरोजगार हो जाते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है। इसलिए हमें स्वदेशी वस्तु, हाथ की बनी हुई वस्तुओं पर अत्यधिक बल देना चाहिए। इस प्रकार ये पाठ है। इसके इस प्रकार से शब्दार्थ है, इन शब्दार्थों पर आगे हम पाठ को पढ़ने वाले हैं। चाव, इसका अर्थ है चाह, रुचि या तीव्र इच्छा। सला, सलाई धातु की छड़। मुंगेरी, गोल मुठीदार लकड़ी जो ठोकने पीसने की काम आती है, जिससे जिसमें चूड़ी चढ़ाकर उसको बढ़ाया या छोटा बड़ा किया जाता है। पैतृक, पूर्वज या पुष्तैनी, पिता से प्राप्त भी पैतृक ही कहलाता है। खपत, माल की बिक्री। वस्तु विनिमय, पैसों से न खरीद कर वस्तु के बदले वस्तु का देना लेना। कसर, घाटा पूरा करना। नाजुक, कोमल, पगड़ी सर पर लपेट कर बांधे जाने वाला कपड़ा। अगला, मचिया, सूतली से बनी छोटी खाट। भवना, सजना, शोभा देना। इस प्रकार इन शब्दार्थों को करेंगे, कॉपी मुझे भेजेंगे ताकि मैं उसे चेक कर सकूं। आप पढ़ेंगे इन सबको और पूरी पाठ को पढ़ेंगे। वंदे मातरम।